हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मंशा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक जगह दिखाने के लिए ले जाने वाली हूँ, ग्रेवे। ग्रेवे की एक जगह है, वो काफ़ी ऊंचा है और बहुत सुंदर है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ और आप मुझे देख के बताना कि आपको वो जगह कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। तो चलते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक श्रादा है। श्रादा मीन्स रास्ता। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आपकी कितने ऊंचाई से गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा पहाड़ी एरिया है, सारा छोटा सा गांव है और यहाँ पहाड़ों के बीच में इसको बनाया गया है। ग्रेवे बहुत सुंदर सी प्यारी सी जगह है ये ना। ग्रेवे में आप कहीं पे भी किसी भी रास्ते पे निकल जाइए, आपको एक अलग ही सुंदरता मिलेगी। काफी ऊंचाई भी है ये ना। ये देखिए इतने ऊपर अभी हम आ गए हैं। पीछे इसके सब वो ऊपर जो दिख रहा है पहाड़ है। आज मौसम ठीक नहीं है। अच्छा, धूप नहीं निकली है। ठीक नहीं है का मतलब कि आज धूप नहीं निकली है। धूप निकलती है तो और अच्छा लगता है, और सर्दियों में ज़्यादातर ऐसा ही मौसम रहता है। तभी तो जिस दिन धूप निकलती है मैं बोलती हूँ कि आज अच्छा मौसम है। काफी ऊंचाई पे हैं हम। ये यहां से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है इधर से। और इधर से हम जाएंगे तो और ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अभी मैं थक गई हूँ इतने ऊपर। देखिए कहाँ से कितने ऊपर से कितने नीचे से आए हैं हम। ये सामने जो दिख रहा है पूरा पहाड़, पहाड़ों के बीच में ये ग्रेवे जगह बनाई हुई है। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो आप बताइए मुझे, आपको ये जगह कैसी लग रही है। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा रास्ता उधर दूसरी तरफ निकल जाएगा, प्यासा की साइड। लेकिन अभी मुझे उधर नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये देखिए हम इतने ऊपर आए हैं। हमारे घर से ये दूसरी साइड पड़ता है, मतलब दूसरा कोना। ग्रेवे का दूसरा कोना समझ लीजिए। ये दिख रहा है ना आपको, देखो हम वहाँ इतने, हम लोग वहाँ से आए हैं, बिल्कुल वहाँ से। आइए नीचे चलते हैं। और आज मैं यहाँ का पार्क भी आपको दिखा देती हूँ। पास में ही पार्क है। सर्दियों में तो एक्चुअली एक तरह से बंद ही हो जाते हैं पार्क ना। तो अब इस साइड आए हैं तो चलो आपको मैं पार्क भी दिखाई देती हूँ। वैसे तो सब सूख गया है, पत्ते वगैरह सब सूख गए हैं, पेड़। स
सामने देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। जब बर्फ़ गिरती है तो वो सारे जो आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं वो सब वाइट हो जाता है, पूरे वाइट पहाड़ दिखते हैं उस टाइम ना। अच्छा, यहाँ पे ऑलिव की भी खेती होती है, ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल निकलता है जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, जैतून, हाँ जैतून, यहाँ पे जैतून की भी खेती होती है। तो किसी दिन मैं आपको जैतून के पेड़ और खेत भी दिखा के लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने भी जब मैं यहाँ आई थी इटली में तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था कि जैतून के पेड़ कैसे होते हैं। सिर्फ नाम सुना था और कभी इंडिया में ऑयल यूज़ करते थे लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है, तो बालों के लिए यूज़ करते थे हम लोग ना, लेकिन कभी देखा नहीं था कि इसके पेड़ और खेत जहाँ ये लोग खेती करते हैं वो पेड़ होता कैसा है। लेकिन यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि हर जगह यहाँ तो ये देखिए इतने ऊपर थे हम ना और अब यहाँ नीचे आ गए हैं। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि हाँ जैतून, तो मैं आपको भी मैं दिखा के लेके आऊँगी कि जैतून के पेड़ कैसे होते हैं। शायद देखे भी हो आप लोगों ने, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही देखे थे इटली में। ये लोग हम आ गए नीचे, ये देखो बूढ़े लोग घूम रहे हैं ऐसे। अभी हम यहाँ से आए, यहाँ वहाँ गए थे ऊपर, यहाँ ये देखिए जो घर के हमारे पीछे से नदी बह के आती है वो यहाँ तक आती है और पता नहीं आगे कहाँ तक जाती है, मालूम नहीं। जहाँ तक आप जाओगे ये वहाँ तक आपके साथ साथ दिखाई देगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको यहाँ का पार्क दिखा देती हूँ जिसको जर्दीनो बोलते हैं। गर्मियों में तो ये सब ग्रीन होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। सर्दियों में भी लगता है लेकिन सर्दियों में तो पार्क बंद ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट ना, क्योंकि सर्दी इतनी होती है। सब पत्ते सूखे पड़े हैं अभी ना, कोई भी नहीं है इस टाइम, तो वैसे भी कोई नहीं होता क्योंकि स्कूल टाइम है अभी ना, सभी बच्चे स्कूल गए हैं तो पूरे पार्क में पत्ते, सिर्फ पत्ते झड़ के सारे गिर चुके हैं। ये थोड़े बड़े बच्चों के झूले होते हैं और ये बिल्कुल छोटे बच्चों के हैं, कि ये देखिए सेफ्टी भी पूरी यूज़ हो रखी है कि बच्चा गिरेगा भी नहीं इसमें से, चाहे आप कितने छोटे बच्चे को बिठा लो इसमें ना तो कोई गिरेगा नहीं। श्रादा दिखाया आपको, पार्क दिखाया, वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी
तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी ग्रेवी की इडली की और सुंदर सुंदर जगह आपको दिखा सकूं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।